गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ रविवार को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की तरफ से एक भी गोली नहीं चलाई गई थी। ऐसे आरोप लग रहे थे कि पुलिस ने जामिया में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई थी। पुलिस की तरफ से केवल टियर गैस इस्तेमाल किया गया था। जो मॉब, वायलेंट मॉब जो पुलिस के ऊपर पथराव कर रहा था, पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगा रही थी और लोगों के घरों पे जो पथराव कर रहे थे, पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे, उनको खदेड़ने के लिए, डिस्पर्स कराने के लिए टियर गैस सेल का इस्तेमाल किया गया था। किसी भी प्रकार का बुलेट फायर नहीं किया गया था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रदर्शन के संबंध में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ और असामाजिक तत्वों का पता लगाया जा रहा है। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान बसों समेत कई वाहनों को आग लगा दी गई थी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। संशोधित नागरिकता कानून और NRC के खिलाफ आज भी प्रदर्शन जारी रखते हुए छात्र और स्थानीय लोग हाथों में तिरंगे और प्ले कार्ड लिए जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बाहर जमा हुए। सर्द मौसम की परवाह न करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय के बाहर मार्च निकाला और सरकार विरोधी नारे लगाए। छात्रों ने बताया कि उनके कई साथी अपने अपने घर जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने यहीं रहने का और तब तक लड़ाई जारी रखने का फैसला किया है जब तक कि नागरिकता कानून में किए गए संशोधन वापस नहीं होते। रविवार को प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद यह लगातार दूसरा दिन है जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। सोमवार को हजारों की संख्या में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर रविवार को पुलिस के विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति के बिना जामिया परिसर में दाखिल होने और विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की घटना की जांच की मांग की। रविवार की घटना में जामिया के छात्र और स्थानीय लोगों समेत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए।